हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज बनाते हैं पोटैटो वेजिस। ये पोटैटो वेजिस बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर आपने इसको एक बार ट्राई कर लिया तो आप फ्रेंच फ्राइज भूल जाओगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है क्योंकि हम इसको पील नहीं कर रहे हैं, तो इसको हमें अच्छे से धो लेना होगा। अब हम इसको ऐसे लंबाई में काट लेंगे। यहाँ पर एक आलू में मैंने 8 पीस किए हैं, तो आप भी इसी तरह इसको ऐसे काट लें। अब हम इसको 2 से 3 पानी से धो लेंगे। मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। अब हम गैस में पानी चढ़ा देंगे और इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे। पानी में एक उबाल आने के बाद अब हम इस कटे हुए आलू को इसके अंदर डाल देंगे और इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है। यहाँ पर आलू को हम 80% तक कुक कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम मैंने हाई पर रखा है। आठ से दस मिनट हो चुके हैं, तो चलिए आलू को चेक कर लेते हैं। आप इसको फोर्क से चेक करें, ये आसानी से अंदर चला जाए तो ये 80% तक कुक हो गए हैं। अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे। जब तक के आलू अच्छे से ड्राई नहीं हो जाते तब तक हम बैटर की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा बोल ले लिया है और इसमें मैंने 1/2 कप मैदा डाला है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लहसुन बारीक कटी हुई डाला है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर चावल का आटा डाला है। चावल के आटे से क्रिस्प अच्छा आता है, आप इसको स्किप ना करें। और यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून हरा धनिया बारीक काट कर डाला है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाले हैं। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ओरिगैनो डाला है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्च पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है। तो अब इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। आपको एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। पानी डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लें, इसमें कोई लम्स नहीं बनने चाहिए। हमारा बैटर रेडी हो गया है, तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल अच्छे से गरम होने के बाद ही हम आलू को इस बैटर में डिप करके तेल में डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है, तो एक बैच में मैंने यहाँ पर 8 से 9 आलू के पीसेस डाल दिए हैं। इसको हाई फ्लेम पर ही हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में हम इसको पलटते रहेंगे। आलू फ्राई होने में हमें 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये पोटैटो वेजिस बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पोटैटो वेजिस कितने क्रंची बने हैं।
अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हरिया धनिया डाल के गार्निश कर लिया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।